ज़ापोरिज़्या में रूसी फौज के मिसाइल हमलों से कितनी तबाही, रूस के KM-50 मिसाइलों से हमले क्यों, अवदीवका के फ्रंट पर कौन पड़ा भारी, रूसी स्नाइपर यूक्रेन की ग्रैंड फोर्स पर भारी क्यों, महायुद्ध से जुड़ा हर अपडेट देखिए रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप नाइन। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में दोनों तरफ से बारूदी बौछार हो रही है। रूसी सेना ने BM-21 ग्रेड से यूक्रेनी ठिकानों पर जोरदार प्रहार किया। इस विध्वंसक हमले का यूक्रेन ने करारा जवाब दिया। 55वीं आर्टिलरी ब्रिगेड ने काउंटर अटैक करते हुए BM-21 को ध्वस्त कर दिया। पल भर में BM-21 खाक हो गया। ज़ापोरिज़्या में कब्जे को लेकर आर पार की लड़ाई जारी है। रूस लगातार यूक्रेनी कब्जे वाले ज़ापोरिज़्या पर हमला कर रहा है। रूसी सेना ने रिकार्ड्स होटल पर बमबारी की। ज़ापोरिज़्या सिटी काउंसिल के सचिव अनातोली कुर्तेव ने दावा किया कि इस विध्वंसक हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। ज़ापोरिज़्या में रूसी हमले तेज हो गए हैं। रूस ने एक इमारत को निशाना बनाते हुए मिसाइल से अटैक किया है। इस हमले में एक आम नागरिक की मौत हो गई। आग लगने से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। ज़ेलेंस्की ने इस हमले पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हम अपनी जमीन को रूस से मुक्त कराएंगे। यूक्रेन की बैटल ग्राउंड में रूसी सेना काफी आक्रामक दिख रही है। यूक्रेनी ठिकानों पर चुन चुन कर प्रहार कर रही है। दक्षिणी कमांड ने अवदेवका के पास यूक्रेनी पोजीशन पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। यूक्रेन के गढ़ में घुसकर जोरदार हमला बोला। इस हमले में काफी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। रूसी सेना बैटल ग्राउंड में नेटो के हथियारों को चुन चुन कर शिकार बना रही है। जंगी मैदान में अमेरिकी हथियार को निशाना बनाया गया है। ज़ापोरिज़्या में रूस ने BMP M2A2 ब्रेडले को निशाना बनाते हुए ध्वस्त कर दिया। पिछले कई दिनों से अमेरिकी हथियार को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के जंगी मैदान में ड्रोन ब्रिगेड काफी एक्शन में है। आसमान में बारूदी बारिश हो रही है। किलर ड्रोन ने BMP-2 को निशाना बनाते हुए ध्वस्त कर दिया। आप देख सकते हैं कि कैसे BMP-2 को ट्रैक किया जा रहा है। काफी देर ट्रैक करने के बाद BMP-2 का शिकार किया गया। रूसी एयरबोर्न ट्रूप्स के स्नाइपर्स ने बाखमुत के पास यूक्रेनी सैनिकों को चुन चुन कर निशाना बनाया। तस्वीरों में रूसी स्नाइपर 1500 मीटर दूर से यूक्रेनी सैनिकों पर फायर करते दिखा। T-5000 राइफल बुलेट ने 100% एक्यूरेसी के साथ यूक्रेनी सैनिकों को ढेर कर दिया। अवदीवका के फ्रंट पर रूसी फोर्स ने यूक्रेन की सैन्य चौकियों को कब्रगाह बना दिया। यूक्रेनी पोस्ट की लोकेशन ट्रेस करने के बाद गाइडेड बम दागे गए। तस्वीरों में भीषण धमाके के बाद यूक्रेन की पोस्ट धुआं धुआं दिखी। न्यूक्लियर खतरे के बीच रूस ने अब KH-50 मिसाइलों को जंग के मैदान में उतार दिया। इन मिसाइलों को यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम भी डिटेक्ट करने में सक्षम नहीं है। KH-50 की रेंज 1500 किलोमीटर है और 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्ट्राइक करती है।